और भाई एक महीने के बाद ये वाला सुकून, ये वाला रोड हाईवे। और भाई मेरे पीछे देख लो कौन बैठे है। चलो 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 चलो, जगह मिली जगह मिली जगह मिली। ये निकल रहे बाबा बस ऐसे। दाएं बाएं दाएं बाएं कोई है? कोई नहीं है। अरे भाई सामने ही है। चलो 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 चलो, जगह मिली जगह मिली जगह मिली। निकल गए भाई। क्या बात है भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम और ये लॉन्ग ट्रैफिक के साथ। तो भाई एक महीने शादी के बाद, भाई शादी को भाई एक महीना हो गया और भाई एक महीने के बाद मैं कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग। भाई क्या भाई, इतना मिस किया मैंने मोटो ब्लॉग और भाई आप लोग ने भी बहुत मिस किया होगा। तो फाइनली भाई हम वापस आ चुके हैं और भाई मेरे पीछे बैठी है, कोई दिखेगी तो बोल देना भाई। तो भाई लोग अपने सूरत दादा जा रहे हैं घर और फाइनली भाई हम लोग भी जा रहे हैं घर और मैं जा रहा हूँ एनू के घर, क्योंकि भाई हर बार मैं एनू के घर जाता था ना तो भाई हाईवे राइड क्या मज़ा आता था भाई। और फाइनली भाई एक महीने के बाद मैं जा रहा हूँ। भाई क्या टर्न मारे ट्रक ने। तो यहाँ से लगे हम लेफ्ट 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 और लेफ्ट के थोड़े आगे जाने के बाद आएगा हाईवे, मेरी सबसे फेवरेट रोड। और भाई अभी ना जहाँ पे हमने राइड की थी वैसे मेरी दो राइड चली गई। भाई लोग मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी शादी थी ना, तो भाई एक दिन बाद ही राइड थी। शादी के इतना काम भाई मैं राइड थी भाई मनोर महाराष्ट्र। भाई क्या मज़ा आया होगा। बट भाई सॉरी बट अभी फ़िलहाल मैं रेडी हूँ भाई हर राइड के लिए और भाई बहुत मज़ा आने वाला एक बार। और भाई एक महीने के बाद ये वाला सुकून, ये वाला रोड हाईवे। और भाई मेरे पीछे देख लो कौन बैठी है, एनू। भाई मोटो ब्लॉगर नहीं भाई, एक ही लाइफ होती है बाइक रोड। जब भी बाइक लेकर रोड पे निकल जाए ना भाई जो सुकून मिलता है क्या बताओ भाई। और भाई अभी बज रहे शाम के 6:10 और भाई अभी कम ट्रैफिक मिलेगा तो अच्छा है, क्योंकि शाम के टाइम पे सब लोग काम से छुटते ना जॉब से। भाई इतना गंदा ट्रैफिक मिलता हर बार। चलो 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 चलो, हाईवे 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 हाईवे। ये निकल रहे बाबा बस ऐसे। मुझे भाई सब लोग बोल रहे थे भाई कि आज तो भाई मोटो ब्लॉग छोड़ दिया भाई, व्लॉगिंग नहीं आ रहा है। मैंने बोला भाई मैंने सोचा था कि भाई शादी होगी मैं व्लॉग करूँगा, मतलब जैसी लाइफ चल रही थी शादी से पहले वैसे ही लाइफ चलेगी। बट भाई वैसा कुछ भी नहीं है। शादी होने के बाद भाई जॉब संभालो, घर पर संभालो और भाई वीवी आने के बाद ना भाई काम टाइम टेबल पूरा मेरा चेंज हो गया था। बट अभी फाइनल मैं फिर से ट्राई करूंगा कि भाई जब पहले जैसा था वैसा मैं राइड प्लान करूं और राइड पे निकलूं और मोटो ब्लॉग कंटिन्यू करूं। और भाई अपने 900 के प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं बट 1K में बहुत कम सब्सक्राइबर बाकी रह गया। तो भाई कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। और भाई ये वाला व्यू एक बार चेकआउट करो भाई, क्या लग रहा है व्यू, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ ये वाला व्यू। और भाई ना मैं आज भी मोटो ब्लॉग नहीं करने वाला था क्योंकि भाई मेरा जो सामान था सब गोप्रो मेरे को खाली मिला था, गोप्रो और बाकी मेरा जितना भी सामान था माइक वगैरह सब ना भाई पता नहीं कहाँ पे रखे हुए थे, मेरा मिला भी नहीं। और जो मेरा मेन वायर था ना जो जिससे आवाज़ आ रही थी भाई वो तो इतनी मुश्किल से मिला। मैंने सोचा कि चलो भाई आज छोड़ देता व्लॉगिंग नहीं करना है, बट भाई मैंने बोला चलो अभी जा रहे तो भाई मोटो व्लॉग तो करना ही है। तो भाई और टाफी नदी में बहुत सारा पानी है भाई, ये वाला हाईवे ना भाई मैं बहुत मिस कर रहा था क्योंकि भाई हर संडे को मैं इधर आता था और भाई जो मज़ा आती थी बाइक चलाने। तब तो ना भाई मैं सिंगल था, मतलब बहुत भगा था 120-130 फुल स्पीड भगा था। बट इस बार ना भाई एनो साथ में है तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलाएंगे, सेफ राइड करो, सेफ चलते रहो भैया। चलो 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 चलो। और भाई ना शादी के बाद ये पहला मोटो व्लॉग है एनू के साथ, क्योंकि शादी हो गई एक महीना तक भाई काम में इतना बिजी था ना मेरे को टाइम ही नहीं मिला था। संडे के दिन भी मेरी जॉब चालू थी तो मैंने सोचा था भाई संडे को राइड करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट जॉब पहले है मेरे लिए बाद में मोटो व्लॉगिंग। तो भाई जॉब चालू थी बट अभी फ़िलहाल टाइम मिलेगा तो संडे के दिन भाई मोटो व्लॉग करेंगे। और भाई राइड एक दो मेरी राइड मिस हो गई थी, एक मनोज महाराष्ट्र और टुट्टी की भाई मेरे दोस्त लोगों ने प्लान की थी। बट लेकिन भाई अभी जितनी भी राइड होगी ना भाई मैं सब में पार्टिसिपेट करूँगा और भाई कंटिन्यू करेंगे मोटो व्लॉगिंग। ओ एनू जी कैसे हो, मज़ा आ रहा है?
भाई ये ना इतनी लॉन्ग राइड कभी भी नहीं करती, इसका घर ना मेरे घर से 80 किलोमीटर होगा, तो ये इतनी 80 किलोमीटर कभी भी नहीं जाती है। जब भी मैं आता था उसको घर पे लेने के लिए तब भी ये जाती है, बाकी ये कभी भी नहीं जाती है। और आज ना इसको मजा आने वाला है क्योंकि लॉन्ग राइड पे कभी गई नहीं है। यहाँ पे ना भाई बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे ना सिटी के अंदर वाट लगने वाली है, तो भाई जितना भी खाली खाली रोड मिलेगा भगाते भगाते जाएंगे, और ट्रैफिक आए तो फिर स्लो। चलो भाई लोग बहुत ले लिया हाईवे का मज़ा, और अभी यहाँ से मिलेगा भाई ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। रुके जाने दो भाई, हम गरीबों को गली में से यहाँ से होगा अभी स्टार्ट ट्रैफिक भाई। तो भाई रुको 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 भाई, यहाँ पे जरा कम ट्रैफिक है, बट बाजू में देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न राइट राइट, ऊपर से चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भाई ट्रैफिक कम मिलता है और टाइम भी बचेगा और जल्दी से पहुँचेंगे कॉनेडिंग लवर्स। तो भाई अभी बज रहे 7:45 और भाई सब लोग घर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, तो भाई हम लोग फटाफट पहुँचेंगे घर की तरफ, अगर रात हो गया कुछ दिखेगा भी नहीं। तो भाई अभी बज रहे 7 और भाई सूरज दादा तो चले गए अपने घर, और भाई अभी एक जन्नत सी जगह आने वाली है, और ये वाली वो जगह क्या बात है भाई, यहाँ से जो भाई गांव वाला जो व्यू होता है ना भाई नेचुरल व्यू, क्या बताऊँ आपको, इतना प्यारा व्यू लगता है यहाँ से। और भाई यहाँ से सूरज दादा दिख नहीं रहे क्योंकि सूरज दादा चले गए अपने घर। तो भाई हम लोग भी अभी घर पहुँचने वाले हैं, और भाई बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो भाई अभी ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं कैसे वीडियो शूट करूँ। तो भाई फिलहाल अभी के लिए इतना रखते हैं वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तब तक के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून। अरे ट्रैफिक वाले भैया।